कोरबा में युवा कांग्रेस ने दर्रीबराज पुल में चक्का जाम कर भारी वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध की मांग की है। दर्रीबराज पुल सड़क पर 30 टन की क्षमता से ऊपर वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने पुल के दोनों ओर बोर्ड भी लगाया है। इसके बावजूद 30 टन से अधिक लोड लेकर मालवाहक पुल से गुजर रहे हैं। इससे बराज का पुल व सड़क जर्जर हो गया है। यह पुल काफी पुराना है। इस खतरे को देखते हुए भी प्रशासन द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक वाले भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक नहीं लगाया गया है। भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में दर्री पुल पर चक्का जाम किया। करीब 2 घंटे तक चक्का जाम जारी रहा। इस दौरान पुल के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई, जिसके बाद मौके पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने युवा कांग्रेस नेताओं से चर्चा की, जिसके बाद लिखित आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त कराया गया। हालांकि इस दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने 10 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में कलेक्टोरेट का घेराव करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। 30 टन से ऊपर के भारी वाहनों के प्रतिबंध के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि शासन को पहुंचाया जाएगा। लगभग 2 घंटे का चक्का जाम युवा कांग्रेस द्वारा किया गया है। शासन को पहुंचाया जाएगा, उसकी मांगों को पूरा किया जाएगा। मांगी है, मांग की देखी है कि 30 टन से अधिक भारी वाहन नदी में इसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। दर्री बराज ऊपर में जो आवागमन के लिए पुल स्थित है, जो कि लगभग आज से 30 वर्ष पूर्व का है और उसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है। जल संसाधन विभाग द्वारा उसके ऊपर यह नियम लगाया गया था कि 30 टन के भारी वाहन प्रतिबंध है, परंतु जल संसाधन विभाग उस चीज को सुचारू रूप से संचालन करने में पूरी तरह नाकाम थी। उसी के खिलाफ में और हमारे मांग ये थी कि उसके ऊपर 30 टन के जो प्रतिबंध उनके द्वारा लगाए गए हैं वो पूर्णता से पालन किया जाए। इसी मांग को लेकर के हमारे द्वारा चक्का जाम किया गया। आश्वासन उनके द्वारा लिखित में हमको आश्वासन दिया गया है कि कल से यहाँ पर कोई भी 30 टन के भारी वाहन इस पुल से पार नहीं होंगे। अगर दोबारा इनके द्वारा इसके पुल के ऊपर से 30 टन के ऊपर के भारी वाहन पार होते हैं तो हमारे द्वारा कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।